अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं काफ़ी हेल्दी और मज़ेदार नाश्ता। आप इसे बच्चों की टिफ़िन में भी दे सकते हैं और नाश्ते पे भी इसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए एक कप गेहूं का आटा लिया है, 1/4 टीस्पून नमक और नॉर्मल पानी से इसे हमें एक डो बना लेना है। चपाती के लिए जैसे डो बना के तैयार करते हैं वैसे ही हमें बना के तैयार कर लेना है। तो अगर आपके पास बचे हुए आटे रखे हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल करके ये रेसिपी बना सकती हैं। अब इसके हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे, जैसे कि हम पूरियां वगैरह के लिए पेड़े बनाते हैं वैसे ही बना के तैयार कर लेना है। तो बाकी पेड़े मैंने बना के तैयार कर लिया है। इसमें मैंने आटे को डस्ट किया है और इसे बेलन की हेल्प से बेल लेना है। जितनी बड़ी पूरी बनाती हूँ उतनी ही बड़ी बेल के तैयार कर लेना है। तो इसे मैंने बना लिया है। तो अब चलिए अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। रोटी को ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, मीडियम रखना है। तो पानी मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, जो कि अच्छे से गर्म हो गया था। अब उसके अंदर अभी जो मैंने पूड़ियाँ तैयार की है उसे डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं जब मैंने पूड़ियाँ डाला था तो ये पानी के नीचे थी, मतलब कि ऊपर नहीं थी। अब धीरे धीरे करके ये पानी के ऊपर आ जाएगी, यानी कि ये 100% कुक हो चुकी है। बस इसे हमें पानी में फ्राई करके अच्छे से निकाल लेना है। तो मैंने इस पर अच्छे से छान लिया है। आप देख सकते हैं पूरी अच्छे तरीके से कुक हो गई है। बाकी पूड़ियों को भी हम पानी में फ्राई करके निकाल लेंगे। तो जब हम डालते हैं तो वो नीचे साइड रहती है और जैसे ही वो कुक होती है ऊपर आ जाती है, क्योंकि वो हल्की हो जाती है। तो बाकी पूरियों को हम एक साथ फ्राई कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ, एक साथ आप 3-4 पूरियाँ फ्राई कर सकते हैं। एक वो आपस में चिपकेंगी नहीं और बहुत ही जल्दी ये रेसिपी झटपट से बनके तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों ये रेसिपी काफ़ी हेल्दी है, बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो बाकी पूरियों को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो चलिए अब ये ठंडी हो चुकी है, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने एक नाइफ लिया है और इसे पतली पतली पीसों में कट कर लेना है। अगर आप चाहें एक साथ पूरी पूरियों को रख कर कट कर सकती हैं, मैं 1 by 1 करके कट कर रही हूँ। तो ये काफ़ी आसानी से कट हो जाते हैं, टूटते नहीं हैं और ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार की बनने वाली है। तो बाकी पूरियों को मैंने ऐसे ही कट कर लिया है। अब इसे देख रहे हैं आप, छोटी छोटी सी पतली पतली पीस पे कट कर लिया है। गैस पे मैंने पैन रख दिया है, 2 से 3 टीस्पून के करीब ऑयल डाल दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। उसके बाद एक मीडियम प्याज जिसे बारीक चॉप कर लिया था उसे डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि प्याज जो है अच्छे से फ्राई हो जाए। तो दोस्तों एक बात याद दिला दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों ये फ्राई हो चुकी है प्याज। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पत्ता गोभी। तो आप इसके अंदर अपनी मनपसंद कोई सी भी सब्ज़ी का इस्तेमाल कर सकती हैं। थोड़ा सा मैंने शिमला मिर्च ऐड किया है, एक टमाटर बारीक चॉप किया हुआ, एक हरी मिर्च। मैं इसे बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं इसे ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊँगी और ना ही ज़्यादा तीखा बनाऊँगी। तो आप अपने हिसाब से तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा सॉटी करेंगे, सब्जियों को ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, हल्का क्रंच ही रखेंगे, क्योंकि जब सब्जियां खाते हैं हल्का क्रंच आता है तो खाने में बहुत ही अलग ही मज़ा रहता है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। 1 टेबल स्पून विनेगर डाल दिया है, यानी वाइट सिरका, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून टोमेटो सॉस। इन सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर देना है। हाई फ्लेम पे कुक करना है, मीडियम पे नहीं करना है, वरना सब्जियां जो है ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। उसके बाद 1/4 टीस्पून के करीब नमक, नमक अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, अगर रेड चिल्ली पाउडर डालना नहीं चाहती हैं तो आप स्किप कर सकती हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सभी मसाले जो हैं आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे जो फ्राई की हुई रोटियां थी जिसे मैंने कट करके रखा था, उसे डाल देंगे और अच्छे से हाई फ्लेम पे इसे कुक कर लेंगे ताकि
जितने मसाले हैं जितनी सब्जियां हैं आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं और मसाले जो हैं काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो दोस्तों ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और एक लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि लाइक ही आप लोग की तरफ से हमारे लिए इनाम होता है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। उसके बाद मैंने डाल दिया 1 टीस्पून टोमेटो सॉस। तो आप अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं शेज़वान भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे मैंने कुक कर लिया है हाई फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए, सभी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए। तो बनके तैयार हो गई है ये नूडल्स। तो दोस्तों आपको आटे की बनी ये नूडल्स की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप इसे शाम में चाय पे या सुबह नाश्ते पे या बच्चों के लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। काफ़ी हेल्दी ये रेसिपी बनके तैयार होती है। तो दोस्तों आप लोग भी बनाइए, फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि मैं ऐसी ही आसान वीडियो आप लोग के साथ शेयर करती रहूँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मैं मिलूँगी इंशाल्लाह ऐसे ही आसान वीडियो के